हेलो गाइस, तो आज इस वीडियो में हम बात करेंगे टोयोटा कोरोला क्रॉस के बारे में, जानेंगे इंजन डायमेंशन और स्पेसिफिकेशन के बारे में। तो चलिए शुरू करते हैं। जानते हैं इस कार के डायमेंशंस के बारे में। तो इंटरनेशनल मार्केट में हमें इस कार का लेंथ मिलता है अराउंड 4460 mm, विड 1825 mm, हाइट 1620 mm और व्हील बेस अराउंड 2640 mm। टोयोटा कोरोला क्रॉस में हमें 161 mm का ग्राउंड क्लियरेंस मिलता है और इस कार का बूट स्पेस कैपेसिटी है अराउंड 440 लीटर्स की। अब जानते हैं हम इस कार के इंजन के बारे में। तो टोयोटा कोरोला क्रॉस में हमें 1.8 लीटर फोर सिलेंडर पेट्रोल इंजन देखने मिलता है, जो कि 137 bhp का पावर और 172 nm का टॉर्क जनरेट करता है। इस कार में हमें 7 स्पीड CVT गियरबॉक्स ऑप्शन देखने मिल जाता है। अब जानते हैं फीचर्स के बारे में। सबसे पहले बात करेंगे सेफ्टी फीचर्स के बारे में। तो इस कार में हमें देखने मिलता है एंटी थेफ्ट डिवाइस, एंटी थेफ्ट अलार्म एंड इंजन इमोबिलाइजर, पावर डोर लॉक्स। कंफर्ट एंड कन्वीनियंस फीचर्स में हमें देखने मिलता है एयर कंडीशनर, पावर विंडोज फ्रंट एंड रियर। एंटरटेनमेंट एंड कम्युनिकेशन फीचर्स में हमें देखने मिलता है टच स्क्रीन इंफोटेनमेंट सिस्टम, ब्लूटूथ कनेक्टिविटी, USB एंड ऑक्सिलरी इनपुट, स्पीकर्स, जैसे और भी कई फीचर्स। अभी तक कोई ऑफिशियल अनाउंसमेंट नहीं है इंडिया में लॉन्च होने की इस कार के बारे में। अगर आगे कुछ अनाउंसमेंट होती है तो इस चैनल पे मैं आपको पहले ही अपडेट कर दूंगा।